प्राइजेस आपके लिए लेकर आ गया है, 40,000 रुपए प्रति महीना कमाने का सुनहरा मौका। वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरी प्रोसेस समझ लीजिए। आज आपके लिए लेकर आया बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया, जैसा कि आप पीछे में मेरे देख रहे होंगे जो मशीनें लगी हुई हैं, उसके अलावा जो है पंखे वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा एक बिजनेस है, आप घर पर रह के जो है अपनी फैमिली के साथ, चाहे आप विलेज से हो या सिटी से हो, तो शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लागत हमारा बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन जो है डबल इसलिए है कि ये तो रोज हमारा प्रोडक्ट चलने वाला है। 365 दिन अगर लॉकडाउन भी हो गया, या एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसा बिजनेस मैं लेके आया। इसमें क्या है कि आपको जो है प्रोडक्ट हमारे घर में ही चलने वाला है, तो ये डेली बेस्ड प्रोडक्ट लेके आया हूँ और 365 दिन ये प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, हमारे खाने पीने में जो है जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गया, आपको मसाले हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे बच्चों के खाने पीने की मीठी गोलियाँ हो गई, जैसे जेम्स हो गया, माउथ फ्रेशनर हो गया, इस तरह का जो है प्रोडक्ट जो है शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप मशीन देख रहे हैं, मैं आपको एक करके बताऊंगा किस मशीन का क्या काम है और किस मशीन से आप कैसे जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो देखें, जैसे कि मैं लेके जो आया हूँ उसमें क्या है कि जैसे कि आपको हमारे पास जो है, जैसे कि आप पाउच दिख रहे हैं, ठीक है, दीवारों पे लगे हुए हैं ये पाउच है, उसमें क्या है कि हम अपने अलग अलग, जैसे कि हमने खुदरा मसाला लेके आ गए, जैसे हमारे जो होलसेलर है या कहीं से भी आपके यहाँ से मसाला मंडी है, वहाँ से आप क्या करना है कि सस्ते दामों पर जो है मसाला, ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम हो गया आपको, उसके अलावा जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो लेके आना है। ठीक है, और वो लेके आने के बाद क्या करना है, आप हमसे जो है, जैसे कि हमारे पास इस तरह का पाउच मिल जाएगा जिसमें जो नाम प्रिंट होगा, प्रिंटेड पाउच मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या होगा। आपको सबसे पहले जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आप मटेरियल लाओगे, ठीक है, जैसे आप धनिया या हल्दी लाओगे, ठीक है, इस मशीन में आप जैसे यहाँ देखो हॉकर है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि यह हॉकर है, इसमें आप जैसे कि हमने अभी मीठी गोलियाँ बच्चों के डाले हुए हैं, इसी तरह से आप इसमें जैसे धनिया डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, खड़ा मसाला डाल सकते हैं। डालने के बाद जो है, जैसे कि हमारी मशीन है, हमने इस पे जो है 12 ग्राम वजन सेट किया हुआ है, ठीक है, ये 12 ग्राम जो है अपने आप ऑटोमेटिक जो है पाउच में फिल कर देगा। अब क्या है कि आप एक एक पाउच को अगर ऐसे फिल करोगे हाथ से तो पता नहीं चलेगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, दुकानदारों को प्रॉब्लम होगा बेचने में। ठीक है, इसमें क्या एक बराबर सब में गया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ऐसे लड़ी टाइप का पाउच लगेगा जो हमारे पास आपको मिल जाएगा। जैसे कि पाउच आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे आप ये देख रहे होंगे जो है ब्लैक पेपर है, जीरा है, उसके अलावा आप ये देख रहे होंगे इलायची का है, उसके अलावा आप जो देख रहे हैं ये जो लौंग का हो गया, इस तरह से आप ये जैसे मल्टीपर्पज पाउच हो गया, इसमें कुछ भी आइटम आप पैक करना चाहते हैं वो आप पैक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आटा हो गया 5 किलो में, 10 किलो में, ये हमारे पास मिल जाएगा। जैसे किशमिश आपको पैकिंग हो जाएगा, आलमंड हो गया पैकिंग हो जाएगा आपको, काजू जो है, ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। चाय पत्ती जैसे आप तैयार कर सकते हैं, हमारे पास इस तरह से आपको लड़ी में पाउच मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा पाउच कैसा होगा, ये हमारा पाउच है, इसमें क्या होगा, वन साइड ओपन होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मशीन से फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे कि 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो का अगर पैकेजिंग करना है तो उसके लिए आपको ये मशीन लगेगी। ठीक है, अगर कोई ड्राई फ्रूट या मसाले का काम करना चाहता है तो उसके लिए आप ये मशीन ले सकते हैं इस मशीन के साथ, तो आपका 2 मशीन का कॉम्बो बन जाएगा। अगर कोई भाई जैसे कि हमारा ग्रीन पैड हो गया, स्क्रबर हो गया, स्टील वुल हो गया, जैसे आप ये देख रहे लड़ी प्रोडक्ट हमारा तैयार है, तो इस तरह का आप स्टील वुल जूना पैक कर सकते हैं और कम लागत में, जैसे कि ये आपका 35 से 36 रुपये में तैयार हो जाता है और होलसेलरों को 60-65 इस रेंज में जो है बिकता है। उसी के अलावा हमारा इस तरह का ग्रीन पैड है, ठीक है, आप ग्रीन पैड भी तैयार कर सकते हैं जिसमें 2 साइजेस हैं, छोटे साइज होंगे या बड़े साइज होंगे, ठीक है, इस तरह से आप साइज के हिसाब से जो है पैकेजिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आपको ये फोम पैड है, तीसरा और चौथा प्रोडक्ट है, ये भी आप पैकेजिंग कर सकते हैं इस मशीन से। और उसके अलावा जो लगने वाला रॉ मटेरियल है, जैसे कि ये प्रोडक्ट के लिए ये रॉ मटेरियल लगने वाला है, ठीक है, उसके अलावा ये डबल वाला पैड है जिसमें आपको ये इस तरह से टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए जो है काम आता है, और ये बर्तन धोने के लिए, तो ये भी प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको इस तरह का आप ग्रीन पैड ले सकते हैं, तो इस तरह का स्टील वुल सब हमारे पास रॉ मटेरियल मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा चलते हुए कि हम कैसे जो है इससे पैकेजिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारी मशीन है, इसमें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जो हमने जैम्स डाल दिया, आप इसमें लौंग इलायची जो चाहे आप डाल सकते हैं, और वजन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना ग्राम पाउच में भरना है, उसके हिसाब से वजन आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो ये मशीन चलती है, दोनों मशीनों का काम कैसे करती है मैं दिखाऊंगा। जैसे ये हमारी मशीन है, ठीक है, मैं आपको ये मशीन दिखाऊंगा कैसे वर्क करती है। तो अब मैं इस तरह का जो है पाउच ले लूंगा, ठीक है, जैसे कि हमारी लड़ी में पाउच आ गए, इस
तरह का हम लड़ी पाउच ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि करके इसको भरेंगे। तो हमने ऑलरेडी इसमें 12 ग्राम सेट किया हुआ है, ठीक है। तो 12 ग्राम ही जो है ये 1.2 पर नीचे हो सकता है, बाकी 12 ग्राम ही एग्जैक्ट। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे पाउच लगाया, ये देखें ऑटोमेटिक भरता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, आपको बस पाउच लगाने की जरूरत है। ये कैसे आपको 12 पीस फिल करके दिखाऊंगा बिना किसी की हेल्प लिए। ऑटोमेटिक जो है आपका जब आप बैठ के काम करेंगे या किसी टेबल पे ऐसा सेट बना लेंगे तो आपको बड़ी इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा जगह की दिक्कत की वजह से मैंने ऐसे पैकेजिंग कर रहा हूँ, आपको बस लाइव डेमो दिखाने का मकसद है मेरा, ठीक है। कैसे मशीनें वर्क करती हैं आप भी देखें। देखें कल मैं पैकेजिंग भी करूँ करके दिखाऊंगा आपको। हमारा लड़ी तैयार। काफ़ी स्पीड में ये काम करता है, आपका बहुत समय बचाने वाला है और आधा अब जो मेहनत है आपका वो कम कर देगी हम। ये देखें इस तरह से हमने जो है लड़ी में पाउच भर लिया है। अब मैं आपको मशीन से सील करके दिखाऊंगा। तो कैसे आप सील होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लड़ी का पाउच जो 50 पैसे फीस पड़ने वाला है, अगर बच्चों के खाने पीने का टॉफ़ी वगैरह आपको चाहिए, जैसे हमारे पास ये जैली हो गया, ठीक है, तो ये जैली वगैरह भी हमारे पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैली मिल जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह से जैसे जैम्स हो गया वो मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये देखें अलग अलग तरह के आपको जिस तरह का भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे हमारा फ्रूट बॉल हो गया, ये भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो मटेरियल में हमारे पास अलग अलग तरीके का पाउच, जैसे कि आपने हमारे पास देखा है इस तरह की पाउच आपको हमारे पास मिल जाएगा। और उसके अलावा जैसे आप ये और ये मशीन आप लगाते हैं तो आपका 50,000 रुपये के करीब जो है आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, जिसमें आपको दोनों मशीनें आ जाएंगी। एक वेट करने वाली ऑटोमेटिक वेटिंग मशीन आ जाएगी और आपको ऑटोमेटिक समझो पैकिंग मशीन आ जाएगी, और दोनों में हम आपको एक साल की वारंटी देंगे। अगर आप जैसे इस तरह का लड़ी में तैयार करना चाहते हैं तो ये मशीन आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अपना 1 किलो या 2 किलो के हिसाब से पैकेजिंग करना चाहते हैं, या 500 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, तो उसके लिए आप ये मशीन लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल आपका जैसे ऑटोमेटिक में पैकिंग होती है ना, आपको ऑटोमेटिक मशीन में इस तरह की पैकेजिंग हो जाएगी आपकी। ये आप देखें, ये देखें बिल्कुल जो सीलिंग आप देखना चाहेंगे बिल्कुल ऑटोमेटिक वाली पैकिंग आने वाली है। अगर कोई भी भाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और घर पे रह के जो बिजनेस शुरू करना चाहता है तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और भी जानकारी के लिए हमसे जो है हमारे ऑफिस आ सकते हैं जो दिल्ली में है, और दिल्ली इंदर लॉक में, और वो एक ऑफिस हमारा बिहार दरभंगा में है, तो आप बिहार दरभंगा वाले ऑफिस में भी आ सकते हैं। आप लोगों ने अभी लाइव डेमो देखा, मैंने दिखाया आपको दोनों मशीनें काम कैसे करती हैं। ये मशीनों में जैसा कि मैंने पहले भी बताया 100-200 ग्राम के लिए पैकेजिंग के लिए आप ले सकते हैं। ये क्या है लड़ी में बेसिक, जैसे कि आपको 10 ग्राम 20 ग्राम तक मैक्सिमम जो पैकिंग करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे पैकेजिंग हो रहा है, और जैसे खड़े में स्टैंड अप में अगर पैकेजिंग करना चाहते हैं, जैसे आपको सिंगल सिंगल लड़ी ले रहे हैं या आपको जो है 100 ग्राम 200 ग्राम, तो उसके लिए ये मशीन आपको लगने वाली है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ आपको ये मशीन ऑटोमेटिक बहुत काम आने वाला है। तो आप ये दो मशीन लगा के जो है रोज के 2 से 3 हज़ार रुपये इनकम कर सकते हो। तो ये बिजनेस को जो है आप करने के लिए जो आप कुछ नहीं लगने वाला है, हमारे पास तरह तरह के आपको पाउचेस मिल जाएंगे, सिंगल में लड़ी में ड्राई फ्रूट से लेके स्पाइसेस तक, ठीक है। उसके अलावा आप करना है कि आपने जो होलसेलर जहाँ पता करना है कि भाई मसाला मंडी कहाँ पे है जो सस्ता मसाला मिलता है, वहाँ से सस्ता मसाला उठाना है, और इस तरह का जो
अच्छे से अच्छा ब्रांड बनाना है। अब यही प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे, ठीक है, कितने पीस की लड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीस की लड़ी है, ठीक है। 10 पीस जो है, अगर रिटेलर दुकानदार एक पीस करके बेचता है तो 5 रुपए पीस बिकेगा, तो 60 रुपए का ये प्रोडक्ट तैयार कर लिया आपने। ये 60 रुपए का प्रोडक्ट आपका मात्र 25 रुपए में तैयार हो गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना मार्जिन है। आप आराम से जो है 40 रुपए में आप जो होलसेलर हो वो रिटेलर को जो है आप दे सकते हैं, उसको 5 से 10 रुपए का प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल जाएगा पर पत्ते पे। और ये बच्चों के खाने पीने का टॉफी है तो काफी बिकने वाला प्रोडक्ट है। इस तरह का आप इसी में मसाला भी पैक कर सकते हैं, जैसे हमने टॉफी पैक किया मसाला भी कर सकते हैं। बाकी मसालों का भी पाउच हमारे पास जो है लड़ी में है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि लड़ी में जैसे मल्टीपर्पज के हिसाब से भी है, लौंग इलायची काली मिर्च के लिए भी है, ठीक है, खड़ा मसाला में। बाकी हमारे पास सिंगल सिंगल पाउच आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और सारी जानकारी, हमारा दरभंगा में भी ऑफिस है बिहार में, तो बिहार में भी आपको सारा उपलब्ध हो जाएगा जो भी चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल से लेकर, और दिल्ली में भी हमारे ऑफिस में आए लाइव डेमो देखें और फिर उसके बाद जो है मशीन ले जाकर अपना एक बिजनेस शुरू करें।